ये एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। तो यहाँ प्लस नहीं है तो पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं फॉर्मूले के लिए। देखो 3x+4, और इसको लिख लेंगे 3x+-5, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या है प्लस में है, तो इसीलिए यहाँ प्लस लाने के लिए ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, लेट x इजकल टू 3x है। यहाँ पर देखो x+a x+b, x के कितना है 3x है ना, 3x, और a की जगह कितना है 4, b की जगह -5। अब हम सॉल्व करते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर। इसके बाद क्या है, एक्स प्लस वो ए प्लस बी एक्स, तो प्लस ए प्लस बी। ए प्लस बी के लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी -5, तो ए प्लस बी और एक्स, एक्स की जगह कितना है 3x, एक्स की जगह पे 3x है, तो इंटू 3x प्लस ए बी, तो ए की जगह कितना है 4 और बी की जगह कितना है इंटू -5। ठीक है, ये तो हमने वैल्यू रख ली। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x² 3 3 9x² प्लस, अब देखो यहाँ पे 4+- क्या होता है -5 आ गया, और ये 3x+4 5 20। अब देखो 9x² प्लस, 5 में से 4 गया -1, 3x लिखाइए, और प्लस माइनस क्या होता है -20। इसके बाद आगे लिखेंगे 9x² +- क्या होता है माइनस, देखो 3x का 1 में 2 करेंगे तो 3x ही आएगा, -20, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, इसको लिख लीजिए पहले। देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, और इस क्वेश्चन में देखो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो a+b a-b आइडेंटिटी लग जाएगी, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a+b a-b, ये होती है a²-b², ये 8th क्लास में भी थी तो आपको याद होगी, नहीं तो ये आप याद रखें, a+b a-b² a²-b². अच्छा, अब ये यहाँ पर कैसे फिट बैठ रही है, देखो a की जगह पे कितना है, यहाँ पे y² है, a की जगह y² है, और b की जगह क्या है 3/2, तो बिल्कुल फिट आइडेंटिटी बैठ रही है ये। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, पहले तो हमने ये लिख लिया जैसे लिखा है, y² + 3/2 y² - 3/2 इजक्ल टू, देखो a+b a-b = a²-b², a+b a-b = a², ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी y² का स्क्वायर, a²-b² -b, b कितना है 3/2, 3/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, देखो 2 2 4, तो y की पावर 4, और ये 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, और 2 2 जा 4, और इससे ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकते, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, देखो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए a-b a+b, यही वाला फॉर्मूला है, चाहे माइनस को यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं, तो a-b a+b यही वाला फॉर्मूला है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू है 2x, तो हम लिखेंगे 3-2x और 3+2x इज इक्वल टू, देखो तो अब क्या होगा a²-b², ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, -b² का मतलब 2x का स्क्वायर, 3 3 9, -2 2 4x² आंसर। ठीक है ना, इस तरह से हमने ये फॉर्मूला लगा दिया इसमें, ये वाला। ठीक है, आइडेंटिटी, चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, फर्स्ट कंप्लीट हो गया।